आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। क्या आपको लगता है कि आप वजीर आला बन जाएंगे? टेंट वाले को ऑर्डर दे दिया है, देख वालों को भी ऑर्डर दे दिया है, जग ग्लास का भी ऑर्डर दे दिया है, बिरयानी की रिवायत को जिंदा रखते हुए सियासत करनी है। लोगों ने चावल खाने हैं, चावलों ने कौन सा कोई लुंगी डांस करना है। ऐसे लोग जो हम पे झुकते करते हैं, जिनका अपना मुंह ऐसा होता है जैसे कि चूही का मुंह होता है। कुकड़ खाओ, सेहत बनाओ। और आपने देखा कि लोग कुकड़े खा खा के अब कुकड़ जैसे हो गए हैं। तेरे प्यार तो मैं सदके जावा, कुछ कर मैं तेनु खेड खिडावा। अरसलान नसीर ने कहा कि हमजा भाई अपनी शेरवानी हमें दे दो, नेड़े होके लेजा लेजा ते हो गई है तेरी बैजा 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 बैजा, नून लीग की होगी। पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आदिया नाज। नाजरीन, पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही की कुर्सी एक बार फिर खतरे में पड़ गई है और नून लीग ने इस हवाले से कुर्सी संभालने की जद्दोजहद भी खासी तेज कर दी है। इस सिलसिले में इनके कैंडिडेट जो हैं वो हैं हमजा शहबाज शरीफ और आज उनकी डमी हमारे साथ मौजूद है। हमजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। एहतजाज 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 करता हूँ मैं। आपको तो ऐसे खुशियाँ चढ़ी हैं जैसे आपकी कोई कमेटी निकली हो, आपकी कोई लॉटरी लगी हो, या आपकी मुर्गियों ने ज़्यादा दाना खाना पीना छोड़ दिया हो। आपको खुशी किस चीज़ की है? हमजा साहब, ये बताएं, क्या आपको लगता है कि आप वजीर आला बन जाएंगे? आपको मैं क्या बताऊं, आपने आते ही ऐसी खुशी वाली बातें की हैं जैसे आपको लगता है कि मैं वजीर आला नहीं। मैं वजीर आला हूँ और मैं वजीर आला रहूँगा और मैं इससे पहले भी वजीर आला था। अच्छा, तो आपके हवाले से क्या है, क्या लगता है कि अगर पंजाब में उखाड़ पिछाड़ होती है तो आप दोबारा से वो मनसब संभाल पाएंगे जो कि आजकल परवेज इलाही साहब के पास है? मैं दोबारा से वजीर आला मुंतखिब हो जाऊंगा। आपको ये किसी ने गलत चीजें बताई हैं, मेरे बारे में सारी चीजें गलत बताई हैं। मैं अभी भी वजीर आला हूँ, मैं कौम का वो लीडर हूँ जिसके पीछे कौम चलेगी। कौम कायद आजम के बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे देखती है, पूरी अच्छा। कौम की जो नजरें हैं वो मुझ पे हैं। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप मुझे इस वक्त में ना? मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ। मैं आज जलसा करने आया हूँ, मैं आज ऊंचा ऊंचा बोलने के लिए आया हूँ, मैं आज अपने हुकूक के मुतालबे करने के लिए आया हूँ, मैं आज एहतजाज करने के लिए आया हूँ। ये पंजाब गवाह है, ये सतलुज गवाह है, ये ब्यास गवाह है, ये सिंध दरिया गवाह है, ये चनाब गवाह है, ये तमाम के तमाम पंजाब के पांच दरिया गवाह हैं कि नून लीग पंजाब में काफ़ी स्ट्रांग है और आज तक हम लोगों ने ही हुकूमत की है और अब भी मैं वजीर आला हूँ पंजाब का। लेकिन कैसे, वजीर आला तो परवेज इलाही है ना पंजाब के? वो मुंतखिब हैं, मैं सिलेक्टेड हूँ। मुझे मेरी पार्टी ने कहा है कि आप वजीर आला हैं। मैं तो काफी दिनों से अपनी नई कुर्सी बनवा के बैठा हूँ, अपनी नई चप्पल बनवा के बैठा हूँ, अपनी नई शेरवानी बनवा के बैठा हूँ। शेरवानी के बटन भी मैंने खुद टांके, दर्जी से मैंने कहा मुझे जल्दी दे दो। लेकिन ये बात काबिले गौर है कि एक कुर्सी पर दो वजीर आला नहीं रह सकते। जिस तरह से एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती। लेकिन हमजा साहब, वो मुंतखिब वजीर आला हैं, आप मुंतखिब तो नहीं हैं। आपने अपने कानों में रुई डाली हुई है, आपके कान बंद हैं, कानों में मैल ज्यादा है। ये क्या बात मैं है? जो बातें कर रहा हूँ आप मेरी बात को समझ नहीं रही, या फिर आप मेरी बातों को समझना नहीं चाहती। ये साजिश हो रही है, ये सारी साजिश हो रही है। कहीं आप भी परवेज कहीं आप भी
परवेज इलाही के फोन आपको तो नहीं आते? नहीं, मैं किसी के फोन नहीं अटेंड करती, लेकिन आपके हक में बात हो तो मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपके खिलाफ बात हो तो मैंने कान में रुई। देखें, जमहूरियत के कायल हैं हम लोग, जब भी जमहूरियत का नाम आएगा, जब जब जमहूरियत का नाम आएगा, जब जब जमहूरियत का नाम आएगा, हमजा शहबाज का नाम आएगा। अच्छा, यानी कि आपने अपने बड़ों को भी साइडलाइन कर दिया। ये नौजवानों का दौर है, ये इमरान खान अपने आप को कहता है 70 साल में नौजवान, और यहाँ पे 35 साल का। आप अगर गूगल से मेरी उम्र ना देखें तो मेरी उम्र 35 साल है। अच्छा। अगर आप मेरा शनाख्ती कार्ड ना देखें तो मेरी उम्र 34 साल है। अगर आप मेरे अब्बा से मेरी उम्र ना पूछें तो मेरी उम्र 28 साल है। अच्छा, तो हमजा साहब फिर क्या तैयारी है आपकी इस सिलसिले में? तैयारियां सारी मुकम्मल हैं। टेंट वाले को ऑर्डर दे दिया है, देख वालों को भी ऑर्डर दे दिया है, जग ग्लास का भी ऑर्डर दे दिया है, प्लेटों का भी ऑर्डर दे दिया है, देख पकाने वाले को भी ऑर्डर दे दिया है। गुजरांवाला और सियालकोट से मैंने चावल भी इंपोर्ट कर लिए हैं। अच्छा। जो हम बिरयानियां बांटेंगे, आपको पता है कि बिरयानियां बांटने पे नून लीग का बड़ा किरदार रहा है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि बिरयानी जो है वो कराची में मिलती है, लेकिन उनको नहीं पता कि बिरयानी की रिवायत को पंजाब में नून लीग ने जिंदा रखा हुआ है। हमने बिरयानियां बांटी हैं, वोट के दिनों में बांटी हैं, इलेक्शन के दिनों में बांटी हैं, इलेक्शन के वक्त बांटी हैं, लेकिन जब लोग वोट नहीं देते तो बहुत दुख भी होता है। यही बिरयानियां आपने पहले बांट ली होती तो बहुत काम आता। देखें जी, जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा, मत पूछे कि क्या क्या होवेगा, मतलब है कि जिस दिन मैं वजीर आला बनूंगा, आप देखिएगा उस दिन लोगों का दिल गार्डन गार्डन होगा, उस दिन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, उस दिन ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, उस दिन आंधियां चलेंगी, उस दिन हर तरफ फुहार होगी, उस तरफ हर तरफ बहार होगी, उस दिन हर तरफ फूल ही फूल होंगे, उस तरफ हर तरफ आपको गुलाब ही गुलाब नजर आएंगे। ये सब तो आपको आजकल भी दिख रहा होगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है वैसे। आजकल तो मत पूछे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आजकल, तो रात की नींद उड़ गई है। रात में मैं पूरी पूरी रात जागता हूँ, पूरी पूरी रात जाग के मैं सोचता हूँ कि मैं वजीर आला कब बनूंगा। अच्छा हमजा साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आपने पंजाब से और चावल जो है वो ऑर्डर, बिरयानी बिरयानियां मुतारिफ करवाई। हाँ, बिरयानी के लिए चावल जो आपने ऑर्डर कर लिया, 9,500 रुपए का गट्टू, 100 किलो का। देखें, हम अपने वर्कर के लिए इतना काम करते हैं और लोग कहते हैं कि नून लीग ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे लोग जो हम पे झुकते करते हैं, जिनका अपना मुंह ऐसा होता है जैसे कि चूई का मुंह होता है, जब ऐसे लोग हम पे झुकते करते हैं तो फिर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, मैंने सुना है कि वो चावल आपने आवाम के लिए नहीं मंगवाया, अपनी कोई पोल्ट्री और फैक्ट्री के लिए मंगवाया। देखें, ये बोहतान है, ये इल्ज़ाम तराशी है, ये हम लोगों पे इल्ज़ाम है कि हम वो चावल मुर्गियों को खिलाएंगे, मुर्गियों को टोटा चावल खिलाते हैं। अच्छा। मुर्गियों को पूरा ये बासमती कर्नल चावल नहीं खिलाते, ये बिरयानियों में डलता है, हम बिरयानियों में रंग का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं क्या क्या बताऊँ कि हम क्या क्या करते हैं। वैसे अजीब सी बिरयानी नहीं लगेगी है? देखें, मैंने एक प्लान बनाया है, कुछ चावल तो हम लोगों ने गुजरांवाला और सियालकोट चूड़काना से फरुखाबाद से हमने इंपोर्ट किए हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जो चावल मुर्गी खानों में बच गए थे उनको भी साथ मिला लें, और उसके बाद हम फिर बिरयानियाँ बनाएं दोनों चावलों को मिला के। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, बिरयानी का कारोबार कर लें, इतना कुछ पता है आपको? नहीं, हमने सिर्फ सियासत करनी है, हमने बिजनेस नहीं करना। बिरयानियां बांट बांट के सियासत करनी है, ये बोलिए। बिरयानियां बांट, बिरयानी की रिवायत को जिंदा रखते हुए सियासत। अच्छा, करनी है। ठीक हो गया। अच्छा हमसे बात सुने, आप
वो चावल जो आपके पोल्ट्री में बचा होगा होगा बचा हुआ होगा और फिर दीगर जगहों से जो आएगा, आपका मतलब है कि उन चावलों को कुकड़ों ने खाया है? जाहिर है कुकड़ों ने खाया, और उसकी जब आप बिरयानी बनाएंगे तो लोग क्या खाएंगे? जो चावल कुकड़ नहीं खाते, जो चावल कुकड़ नहीं खाते वो हम इकट्ठा करते हैं और सारा साल इकट्ठा करते हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 4.5 साल वो चावल इकट्ठे किए हैं, वो बाजरा इकट्ठा किया है। उसके बाद आप देखिएगा कि उसका जायका कितना अच्छा होगा, लोगों को कितना अच्छा लगेगा। क्या खाएंगे लोग, आप क्या खिला रहे हैं उन्हें? लोग बिरयानी खाएंगे और क्या खाएंगे? देखें, लोगों ने बिरयानी खानी है, ये चावल खाने की चीज है। उन्होंने कौन सा कोई गाना सुनाना है? लोगों ने चावल खाने हैं, चावलों ने कौन सा कोई लुंगी डांस करना है ये बताएं मुझे। उन्होंने कोई गाना गाना है कि तेरे प्यार तो मैं सदके जावा, कुछ कर मैं तेनू खेड खिडावा, नेड़े होके ले जा ते हो गई है तेरी बैजा 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 बैजा। नून लीग की होगी, आप देखिएगा कि दूसरों के संदूकों में मट्टी निकलेगी, रेत निकलेगी, खे निकलेगी, और लेकिन नून लीग के संदूकों में वोट निकलेंगे और मैं वजीर आला बनूंगा। अच्छा हमजा साहब, मारूफ यूट्यूबर असलान नसीर की शेरवानी को लेकर और आपकी शेरवानी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत बहस चल रही है। मुझे लगता है, मुझे खुशबू आ रही है, ये साजिश की खुशबू है। आपके शख्स की बातें कर रही है, वो शख्स जिसने हमेशा ट्विटर पे मुझे रगड़ा है, मेरी शेरवानी पे ताने कसे हैं, मेरे हवाले से बड़ी बातें की हैं, कभी कुकड़ की मिसालें दी हैं, कभी शेरवानी की मिसालें दी हैं, कभी मेरी कुर्सी का मजाक उड़ाया है, कभी क्या क्या बातें की हैं। आप ऐसे शख्स को हीरो बना के, रोल मॉडल बनाकर एक नेशनल टीवी पे पेश कर रही है, क्या ये अच्छी चीज़ है? लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई ताकतवर लोग हैं तो वो यूट्यूबर्स हैं। अच्छा, अब देखें दीदा दलेरी से, ये क्या नाम है इस बच्चे का? अरसलान नसीर। अरसलान नसीर, अरसलान नसीर ने कहा कि हमजा भाई अपनी शेरवानी हमें दे दो, हमने वलीमे पे पहननी है। देखें मेरी शेरवानी की कितनी बड़ी तौहीन है। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? अरसलान नसीर तो खुद बहुत अच्छा कमाते हैं, वो आपसे क्यों शेरवानी लेंगे? मेरा अरसलान नसीर से कोई राब्ता नहीं हुआ है। अगर मेरा राब्ता होता तो मैं उनसे पूछता कि बेटा तू जो शर्टें पहन पहन के आता है ये भी बड़े अच्छे कलर्स की होती हैं, मुझे दे दो। अच्छा, सारी दुनिया से आप इमदाद के नाम पर पैसा जमा कर रहे हैं, कपड़े कहाँ छोड़ेंगे आप? नहीं, ये बात नहीं है, मैं सिर्फ कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। आपने वो गाना सुना है, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या? बिल्कुल, उसका रिव्यू जी बहुत अच्छा है। कभी कभी चीजें बहुत अच्छी बनती हैं, और अगर यूट्यूबर ऐसे कंटेंट ना बनाए तो उनकी दुकानदारी नहीं चलती। इसलिए जब वो खुद मशहूर नहीं होते तो उनको मशहूर सियासतदानों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए उन्होंने मेरे शेरवानी की तोहीन की और कहा कि मैं वलीमे पे ये शेरवानी पहनूंगा, मुझे वो शेरवानी दे दे। अच्छा हमजा साहब, आप यूट्यूब की तरफ क्यों नहीं आते? मैं एक सियासतदान हूँ, मेरा काम है, मेरा काम लोगों में रहना है, मेरा काम लोगों की गलियां साफ कराना है, मेरा काम लोगों के घर साफ, मतलब यह है कि गलियां साफ कराना है, मेरा काम नालियां साफ कराना है, मेरा काम लोगों के मामलात को हल करना है, मेरा काम स्ट्रीट लाइटों में बल्ब लगाना है, मेरा काम ट्यूबों में स्टार्टर लगाना है। अच्छा। मेरा काम पट्टियों में ट्यूबें लगाना है, ये मेरा काम है। मैं ग्रास रूट लेवल का बंदा हूँ, मैं जड़ से बैठ के चीज़ों को देख लेता हूँ, मैं एक अवामी सतह का बंदा हूँ, एक गरीब की आवाज़ हूँ। वैसे आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? आजकल
मैं बहुत मसरूफ हूँ, सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती, सुबह में जब उठता हूँ तो मेरे जो मैनेजर हैं उसके पास 5-6 ऐलान इकट्ठे होते हैं कि आज फलां का जनाजा है, आज फलां की मैयत है, आज फलां की तदफीन है, आज फलां का निकाह है, आज फलां की शादी है, आज फलां की रुख्सती है, आज फलां की पानी, आज फलां का वलीमा है, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, आपको याद नहीं आ रहा, आपने मुझे पानी पिलाना था, आपने मुझे चाय पिलानी थी, आपने मुझे मिठाई खिलानी थी, या कोई कुकड़ पीसी मंगा लें, कुछ तो सब आएगा, सब आएगा, लेकिन ये तमाम मरहले मेरा ख्याल है प्रोग्राम के बाद हो जाते तो ज्यादा अच्छा। आजकल मैं मसरूफ बहुत होता हूँ, तो आप क्या चाह रहे हैं कि इसी दौरान आपके सामने सब कुकड़ शुकड़ पेश कर दूंगा? मुर्गे मुसल्लम, अच्छा मुर्गे मुसल्लम, मुझे आपके बहुत पहचान है, मैं कुकड़ की चाल से पता कर लेता हूँ कि ये कुकड़ है या ये कुकड़ है। आप इतनी लंबी कहानियां ना सुनाएं, मैंने आपसे आजकल आपकी मसरूफियात का पूछा था। पाकिस्तान में जो सियासत है वो यही होती है, जनाजों से शुरू होकर निकाह तक खत्म होती है, ये पाकिस्तान की सियासत है और पाकिस्तान का हर सियासतदान यही करता है, आपको पता होना चाहिए। नाज़रीन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर इसके बाद हाजिर होंगे और मुस्तकबिल की सियासत पर जो लाहे अमल है इससे मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डमी स्टूडियो से हमजा शहबाज शरीफ की डमी। ये क्या कर रहे हैं आप? एक तो अजीब अंदाज में पानी पी रहे हैं, फिर अपने ऊपर गिरा भी रहे हैं। देखें, मैं काफी देर से प्यासा था, इसलिए जब प्यासे को पानी मिलता है तो वो जोर से पीता है, जब मैंने जोर से पानी पिया, जल्दी में पानी पिया तो मेरी शर्ट पे थोड़ा सा गिर गया। अच्छा, चलें इसे जल्दी खत्म कीजिए प्लीज जरा। आप सवाल करें, मैं साथ साथ पानी पीता रहूंगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि पंजाब में मुर्गी के रेट बढ़ गए हैं? देखें, ये हर बात पे मुर्गी वाला सवाल आप मेरे साथ क्यों करती हैं? क्योंकि आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है मुर्गी मुर्गों से। मेरा मुर्गी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारी साजिश हो रही है। हर बंदा मुझे मुर्गी का ताना देता है, हर बंदा मुझे कुकड़ी का ताना देता है, हर बंदा मुझे मुर्गे का ताना देता है, हर बंदा मुझे कुकड़ का ताना देता है। कोई तो कनेक्शन होगा ना कि ताने मिलते हैं इतने सारे। कोई मुझे आंडों का ताना देता है, ये क्या चल रहा है? अच्छा, क्या वाकई आपका मुर्गियों से कोई ताल्लुक नहीं है? देखें, पहले तो मुर्गियों के साथ ज्यादती हो रही है, जो दरिया और समंदरों में छोटे छोटे पुंगे होते हैं मछलियों के, वो खा रही हैं मुर्गियां, उनके साथ एक तो ज्यादती हो रही है, उनको खुराक सही से नहीं मिल रही, उसके बाद मुर्गी के रेट बढ़ रहे हैं। ये कौन है जो पंजाब में मुर्गियों के रेट बढ़ा रहा है? बस बन रहे हैं आप, पता आपको सब कुछ। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ तो कंटिन्यू करते हैं, मुझे बताइए, पता आपको वैसे सब कुछ है। मुझे तो वो दिन भी याद है जब लाहौर के किनाल रोड पर एक वो क्या था, वो खाएं और सेहत बनाएं, चल गए खाएं, चिकन खाएं, अच्छा सेहत और बनाएं, सेहत बनाएं। हाँ, ये चिकन बोर्ड लगे होते, चिकन खाने से इंसान की सेहत बनती है। हमने पूरे पाकिस्तान में सेहत का एक जाल बिछाया, लोगों को बताया कि ये मुर्गी खाओ, ये चिकन खाओ। हमने कोशिश की हर पाकिस्तानी को कुकड़ तक रसाई के लिए, हमने पूरे पाकिस्तान में कुकड़ियां बिछा दी। हाँ। हमने पूरे पाकिस्तान में कुकड़ों का नेटवर्क बिछा दिया। अच्छा। पूरा जाल बिछा दिया कि कुकड़ खाओ सेहत बनाओ, कुकड़ खाओ सेहत बनाओ। और आपने देखा कि लोग कुकड़े खा खा के अब कुकड़ जैसे हो गए हैं। कभी आप देखें सर्दियों में जो लोग बाइक चला रहे होते हैं वो कैसे कुकड़ बने हुए होते हैं। आप वैसे भूल गए, ये बताएं कि आपकी खुशियों में शामिल करने के लिए जो शख्सियत हैं वो कौन है?
ऐसी कौन सी शख्सियत है जो रह गई हो। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि जश्न पे जितने भी लोग आएंगे उनको मैंने ऐड किया है। हाँ, तो उस पे म्यूजिक कौन प्ले करेगा? उस जश्न में जब आप जीत जाएंगे तो म्यूजिक कौन प्ले करेगा? उसके लिए मैंने डीजे भट्ट को बुलाया है। बल्कि डीजे भट्ट को बुलाना है। अच्छा, डीजे भट्ट को बुलाना है। मैं कॉल कर लूं? आप फोन रखें, टाइम ज़ाया हो रहा है। हमजा साहब, आपके पास डीजे भट्ट का नंबर है? नहीं, मैं ऐसे लोगों का नंबर नहीं रखती, आप रखिए इसको। अरे ये काम आप प्रोग्राम की बात भी कर सकते हैं, फोन रखिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? देखें, डीजे के अलावा बाकी सारा काम हो चुका है। स्पीकर आ चुके हैं, SP2 लगा चुके हैं, SP4 लगा चुके हैं, तमाम तर ऑसिलेटर्स आ चुके हैं, तमाम तर एम्पलीफायर्स आ चुके हैं, सारी चीजें आ चुकी हैं। बस एक डीजे और उसकी जो तवे वाली मशीन होती है उसकी जरूरत है। अच्छा, आप भी ऐसे गाने सुनते हैं? देखें, ये वो गाने नहीं होते, ये गाने हैं कि आवाम के दिलों की आवाज है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा, दोबारा से आई और छा गई ये नून लीग जमात, इस तरह के गाने। बाकी उस पे ये गाने नहीं चलेंगे कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, गाना बजा दे, मियां दे नारे बजन गए, मियां दे नारे बचन के। मियां दे नारे बचन के। अच्छा, ये गाने सुनना चाहते हैं आप? ठीक। वैसे हमारा मौजू जो है वो मेरा ख्याल है गीत नहीं था, सियासत था। आजकल सियासत में और गीत में कोई फर्क नहीं है। आजकल सियासत और फिल्मी गीत में कोई फर्क नहीं है। आजकल सियासत में और ड्रामे में कोई फर्क नहीं है। आजकल सियासत और फिल्म में कोई फर्क नहीं है। आजकल सियासत और फिल्म के जो सीक्वल्स आते हैं, सीरीज आती हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। वो सारी तकरीबन एक ही जैसी चीजें हैं। तस्वीर के दो रुख हों जैसे, सिक्के के दो रुख हों जैसे, कुछ ऐसे। अच्छा, हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें आप? देखें, मेरी नाज़रीन से यही रिक्वेस्ट है कि हमें कामयाब कराएं, मुझे कामयाब कराएं, अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने भाई को, अपने छोटे से छोटे भाई को कामयाब कराएं। और अगर मैं कामयाब हो गया, क्योंकि मेरा और कुर्सी का जो फासला है वो 16.5 फुट है, 16.5 फुट, और अगर मैं कामयाब हो गया तो न्यूयॉर्क में हम लोग वेरिजोना ब्रिज पर जश्न मनाएंगे, वहां पे भंगड़े डालेंगे, वहां पे सूटे लगाएंगे। अव्वल तो वहां आपको कोई जाने नहीं देगा, और अगर किसी तरह कुछ कर कर आके आप वहां पहुंच गए तो वहां तो हारे हुए लोग जाते हैं। नहीं, हम तो वहां जश्न के लिए जाएंगे। वहां तो लोग खुदकुशी के लिए नहीं जाते? नहीं, खुदकुशी का कोई प्लान नहीं है। मेरा तो प्लान जीने का है। मैं तो चाहता हूँ कि 90 साल की उम्र में भी पाकिस्तान का वजीर आजम रहूं, जैसे महातीर मोहम्मद वजीर आजम रहा। कहाँ का? मलाइशिया का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।